नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सेवन पॉइंट फाइव है एक्सरसाइज का सेवन पॉइंट फाइव क्वेश्चन ओके क्वेश्चन में गिवन है इन एक्सरसाइज सेवन पॉइंट थ्री एंड सेवन पॉइंट फोर वट इज द नेट पावर एब्जॉर्ब बाई ईच सर्किट ओवर अ कम्प्लीट साइकिल एक्सप्लेन योर एंसर तो जब हम सेवन पॉइंट थ्री की बात करते हैं है ना तो सेवन पॉइंट थ्री में जो सर्किट था वो था, था, था? प्योर इंडक्टिव सर्किट था है ना प्योर इंडक्टर की बात कर रहे थे प्योर इंडक्टिव सर्किट वहाँ पर हम यूज़ कर रहे थे ठीक है और क्योंकि उसमें प्योर इंडक्टर लगा हुआ था और यहाँ पर अगर हम प्योर इंडक्टर की बात करते हैं तो फेज डिफरेंस कितना होता है 90 डिग्री होता है करंट लेगिंग होता है वोल्टेज लीडिंग होता है ओके तो फेज डिफरेंस यहाँ पर 90 होता है अगर हम पावर की बात करेंगे तो पावर होता है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव और यहाँ पर फाइ का वैल्यू पुट करेंगे तो एवरेज पावर कितना आएगा जीरो होगा तो यहाँ पर जो भी पावर होता है वो वाटलेस पावर होता है एक्टिव पावर यहाँ पर जीरो होता है सेम इज इट इज अगर हम सेवन पॉइंट फोर की बात करते हैं तो वहां पर प्योर कैपेसिटिव नेटवर्क की हम बात कर रहे थे प्योर कैपेसिटिव नेटवर्क की हम बात कर रहे थे ओके �okay, और प्योर कैपेसिटिव नेटवर्क में भी अगर हम बेस डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो वो 90 डिग्री होता है वहां पर करंट जो होता है वो लीडिंग होता है वोल्टेज लैगिंग होता है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं करंट जो होगा वो लीडिंग होता है बाय 90 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज या फिर हम लिख सकते हैं वोल्टेज इज लैगिंग लैगिंग बाय 90 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू करंट तो यहाँ पर फिर अगर हम v इज इक्वल टू p इज इक्वल टू वी इंटू आई इक्वल टू कॉस इंटू कॉस फाइ अगर हम यहाँ पर लिखते हैं और कॉस फाइव में फाइव का वैल्यू नाइन्टी पुट करते हैं और कॉस नाइन्टी होता है ज़ीरो तो यहाँ पर फिर से ये जो पावर होगी वो वॉटलेस पावर होगी मतलब इस पावर को हम एक्टिवली यूज़ नहीं कर सकते मैकेनिकली या फिर हीट के फॉर्म में कंज्यूम नहीं कर सकते ठीक है ये पावर स्टोर होती है कैपेसिटर या फिर इंडक्टर में तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि क्यों इसका आंसर ज़ीरो आ रहा है क्योंकि यहाँ पर हम वाटलेस पावर कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं यहाँ पर हम एक्टिव पावर कैलकुलेट कर रहे हैं